नमस्कार। होम्योपैथी कई बड़ी और पुरानी बीमारियों में बहुत असरदार होती है। ये बीमारियों को जड़ से दूर करती है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या आपको पता है होम्योपैथी डेंगू मलेरिया जैसे अक्यूट कंडीशंस में भी बहुत असरदार होती है। वैसे तो ये गलत फहमी है कि होम्योपैथिक दवाइयों को असर करने में वक्त लगता है, पर ऐसे कंडीशंस में होम्योपैथी अपना असर जल्दी दिखाती है और वो भी किसी साइड इफेक्ट के बिना। मैं डॉक्टर आरती और आज हम बात करने वाले हैं मानसून में आमतौर पर होने वाले डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू ये एक वायरल बुखार होता है जिसमें शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी ये गंभीर समस्या भी बन सकती है। वैसे तो आमतौर पर तेज़ बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, स्किन पे रैशेस या मांसपेशियों में दर्द, ये लक्षण डेंगू में दिखाई देते हैं। सही समय पर अगर इस उपचार नहीं लेते तो इसका परिवर्तन डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर में भी हो सकता है। डेंगू कन्फर्म करने के लिए खून की जाँच की जाती है जिसमें प्लेटलेट काउंट पर खास ध्यान दिया जाता है। डेंगू से बचने का सबसे आसान तरीका है मच्छरों से बचना। ध्यान रखें कि आपके घर के आजू बाजू में साफ पानी जमा ना हो, घर पे पूरे कपड़े पहने और ज़रूरत पड़ने पे मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। अगर डेंगू पॉजिटिव भी आता है तो घबराए नहीं, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा ताज़ा खाना खाना, आराम करना और बहुत सारा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं डेंगू में इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले और महत्वपूर्ण है कैरिका पपाया मदर टिंक्चर। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट बॉडी की इम्यूनिटी अंदर से बढ़ाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य है जो प्लेटलेट कम होते हैं उसको रोकना। इसमें मौजूद है एंजाइम्स आपकी पाचन शक्ति भी सुधारते हैं। इसको लेना बहुत ईजी है, 20 से 25 बूंदे आपको आधे कप पानी में 2 से 3 बार लेना होता है। इसके अलावा और भी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है। अगर बॉडी पेन ज़्यादा है तो बैप्टीशिया, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो यूपेटोरियम, और अगर बुखार के बाद आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है तो जलसीमियम जैसी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार योग्य होम्योपैथिक दवाई लेने से 5 से 7 दिनों में डेंगू ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में डेंगू के बाद बाल झड़ना, कमजोरी, भूख कम लगना या जॉइंट पेन जैसी समस्याएं भी दिखाई देती है। इनमें भी होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें।